लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड अ लिटिल बिट अबाउट दिस स्टोरी द पार्ट एंड द केज का कुछ डिस्कशन हमने लास्ट क्लास किया था, ठीक है। फर्स्ट पेज पे क्या क्या चीज है, आई होप देर आर फ्यू स्टूडेंट हु हैव एटलीस्ट रेड द पार्ट एंड द केज, जो पीडीएफ मैंने भेजा है उसके थ्रू आपने रीड किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता था जो जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट पेज पे इट इज गिवन हाउ वेयर फ्रॉम रुक्मणी यूज्ड टू बिलोंग, ठीक है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू द स्टोरी इज फ्रॉम द टाइम व्हेन द इंडिया व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट देयर इंडिपेंडेंस एंड दे वर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया और पाकिस्तान का जब डिविजन हुआ था और उन दोनों ही देशों को आजादी मिली थी, हमारे देश को उनके देश को, एट दैट टाइम ऑफ पीरियड जो लोग जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, द कॉमन पीपल वर डिवाइडेड इन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है। जो हिंदू हैं उन्हें जबरदस्ती हिंदुस्तान भेजा जा रहा था, डजंट मैटर दैट दे हैव लिव्ड इन द एरिया इन द पाकिस्तानी एरिया फॉर अ लॉट ऑफ यू कैन से जनरेशन, ठीक है। उनके खानदानी घर है वहां पर, उससे कोई मतलब नहीं था। उनके बिजनेस है वहां पर, उनका अपना कोई गवर्नमेंट में वो काम करते थे, डजंट मैटर वट एवर थिंग दैट दे वर डूइंग डजंट यूज टू मैटर। द ओनली थिंग दैट मैटर वॉज उनका रिलीजन क्या है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप पाकिस्तान में बिलोंग करते हैं, और अगर आप हिंदू हैं तो आप इंडिया में बिलोंग करते हैं। दिस वॉज द थिंकिंग ऑफ द लीडर्स एंड दिस वॉज प्रोपगेटेड, इस मैसेज को आगे बढ़ाया जा रहा था हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स के द्वारा, और जिसकी वजह से जो कॉमन पीपल थे, जो आम जनता थी, दे वर वेरी मच हरास, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती अपने जगह से, इफ यू आर अ हिंदू एंड यू आर लिविंग फॉर जनरेशन इन लाहौर, डजंट मैटर, यू हैव टू वेकन दैन प्लेस एंड गो टू योर ओन कंट्री दैट इज इंडिया। अगर आप एक मुस्लिम हैं और आप बहुत दिनों से बहुत जनरेशन से इंडिया में रह रहे हैं, दैट डजंट मैटर, यू हैव टू लीव एवरीथिंग एंड मूव बैक टू योर कंट्री दैट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर यू। तो ये सारे सिचुएशन में जो आम जनता थी, दे वर वेरी मच हरास्ड, दे वर वेरी मच अ लॉट ऑफ पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग दीज क्योटिक सिचुएशन। तो ये सारे सिचुएशन से रुक्मणी भी गुजरी थी एंड समहाउ शी सर्वाइव्ड, समहाउ वो सर्वाइव कर गई इन सारी चीजों से, और वो अमृतसर कोर्ट पहुंच गई, अमृतसर पहुंच गई, और वहां पे उसे किसी ने बताया, शी वाज लिविंग इन द कैंप्स एरिया एंड ऑल, एंड वहां पे किसी ने उसे सजेस्ट किया कि डिप्टी कलेक्टर से वो बात करेगी तो शायद उसकी परेशानी का हल उसे मिल जाए। सो शी वाज वेटिंग इन फ्रंट ऑफ द अमृतसर कोर्ट ऑन बिसाइड अ रोड, जिस रोड से डिप्टी कलेक्टर की गाड़ी आनी थी उस रोड के साइड में वो वेट कर रही थी, और बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे फॉर दैट सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विल कम एंड रिजॉल्व देयर इशू। जो भी इशू उनके पास था, घर नहीं था रहने के लिए, कोई स्टेबल इनकम वाली जॉब नहीं दे रहा था उन्हें, और ना ही उनके पास कोई रिसोर्स था जिनसे वो अपना खाना पीना चला सके। सो दे वर ऑल वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट इनिशियल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव टू डू समथिंग अबाउट देयर सिचुएशन, ठीक है। तो ये सारे चीजें से वो गुजर रही थी, एंड आई होप जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा मैं तो बोल रही हूँ, ठीक है। आपने ये रीड अगर किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली द स्टोरी स्टार्टेड कि जो पैरट था, रुक्मणी का जो पैरट था, रुक्मणी का पैरट जो था वो उसे बार बार बुलाता था, ठीक है, और वो सेंटेंसेस रिपीट करता था जो सेंटेंसेस रुक्मणी की दोस्त जो फ्रेंड्स थी लाहौर में, वो जब भी उसके घर आते थे तो जो वर्ड्स जो सेंटेंसेस वो बोलते थे उन्हें, वो सारी चीजें उसी तरह उसी प्रोनंसिएशन के साथ वो उसी एक कह सकते हैं आप उसी फ्लो में वो बोल रहा था ताकि वो उसका अटेंशन ग्रैब कर सके, अंडरस्टूड, ताकि वो उसका अटेंशन ग्रैप कर सके। तो इसी वजह से वो ट्राई कर रहा था कि वो जो उसकी जो रुक्मणी है वो उस पर ध्यान दे, वो पैरट वो उसके पैरट पे बार बार ध्यान दे, ठीक है, और वो इग्नोर ना फील करे, ठीक है, इग्नोर फील ना करे।
तो रुक्मणी भी जो थी वो बार बार अपने पेरेंट्स को रिश्योर कर रही थी, बार बार उसे समझा रही थी, बार बार उसके सवालों के जवाब दे रही थी कुछ ना कुछ, ताकि फर्स्ट इसका रीजन क्या था, पहला रीजन ये था कि वो जो पैरट है उसे शांत कराना चाहती थी, ठीक है, ज्यादा चिल्लाए ना उसके लिए, उसे शांत कराना चाहती थी। दूसरा, वो खुद को भी रीअश्योर कर रही थी कि जो भी सिचुएशन है, जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो किसी ना किसी तरह सॉर्ट आउट हो जाएंगे और हमको कोई ना कोई सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा रीजन ये था कि वो जिस प्रॉब्लम्स से गुजरी थी, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है यहाँ पर, पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में लिखा गया है कि किस सिचुएशन से रुक्मणी वहां पर बाहर निकली थी, लाहौर से कैसे वो अपनी जान बचा के बाहर निकली थी। तो वो सारी जो उसके नाइटमेयर्स थे, जो बुरे बुरी यादें थी, वो सारी चीजें वो भुलाना चाहती थी। दैट इज वाई शी यूज टू रीअश्योर द दैट इज वाई शी यूज टू रीअश्योर द पैरट एवरी टाइम ही यूज टू कॉल, ठीक है, जब भी वो पैरेट बार बार उसे बुला रहा था, वो उसे बार बार रीअश्योर कर रही थी कि हाँ बेटा मैं यहीं हूँ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, इस तरह उसका रिप्लाई हमेशा रहता था ताकि वो उन सारी चीजों से बाहर निकल पाए। तो देर आर थ्री रीजन, इफ दिस क्वेश्चन कम इन योर एग्जामिनेशन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए कि रुक्मिणी बार बार उस पैरेट को क्यों रिप्लाई कर रही थी, ये तीन चीजें आप जरूर मैंशन करेंगे। पहला, बिकॉज शी वॉन्टेड द पैरट टू बी क्वाइट, ठीक है, वो ये चाहती थी कि जो पैरट है वो शांत हो जाए। दूसरा ये कि जो भी प्रॉब्लम्स उसके सामने थी, अभी ना उसके पास रहने के लिए घर था, ना कोई काम था, ना खाने पीने के लिए कोई प्रोविजन था, ये सारी प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई हल निकल जाएगा, ये खुद को भी रीअश्योर कर रही थी और पैरट को बोल बोल के वो खुद को भी रीअश्योर कर रही थी इस चीज के लिए। तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन है ये कि वो जितनी भी नाइटमेयर्स थे, ये सारी चीजें जो उसने फील की थी उस टाइम पर, ये सारी चीजें वो भुला सके, ठीक है, उन ये सारी चीजें उसे परेशान ना करे। तो दीज थ्री थिंग्स यू हैव टू मेंशन इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर क्या लिखा गया है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर मेंशन है, लेकिन सॉरी 1 मिनट, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे क्या चीज मेंशन है, नेक्स्ट पेज पे भी अगेन दिस इन दिस पैराग्राफ, इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, यहाँ पर रुक्मणी जो है वो अपने पैरट को समझा रही है, अपने पेट जो पैरट है उसे समझा रही है कि तुम शांत हो जाओ, जब डेप्यूटी कलेक्टर आएंगे तो वो हमारी कुछ हेल्प कर देंगे, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में यही चीज वो समझा रही है, और ये चीज जो है ये पास खड़ा एक स्टॉल कीपर, ठीक है, जिसका एक स्टॉल था बगल में, वो स्टॉल कीपर जो था वो उसे देख के हंसने लगा, बिकॉज ही थॉट वो झूठे वादे कर रही है अपने भारत से, ठीक है। तो ही मेंशन दिस लाइन, मैया यू आर ड्रीमिंग, ठीक है, उसे लगा कि कोई हमारी हेल्प नहीं करता है, कोई वो सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था। बट व्हाट डिड शी डू, शी स्कोल्डेड द शॉपकीपर, ठीक है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें जो रुक्मणी है वो स्टॉल कीपर को डांटने लगी कि तुम ऐसा मत बोलो, मतलब यू आर नॉट टेकिंग अवे माई होप, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिफायंस ऑफ ब्रेक द पिक्चर ऑफ हर होप, ठीक है, ये चीज जो मेंशन यहाँ पर की गई है, दैट इज उसका ये होप था, उसी होप की वजह से वो जी रही थी कि सम पीपल फ्रॉम दी यू कैन से फ्रॉम द गवर्नमेंट वुड बी हेल्पिंग देम फ्रॉम ऑल द सिचुएशन, फ्रॉम ऑल द प्राइवेटीज शी वाज हैविंग, ठीक है, जो भी चीजें उसके पास नहीं थी वो प्रोविजंस एटलीस्ट इतने अवेलेबल करवा दिए जाएंगे उसे, जिससे वो अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सके, यही उसका होप था। तो व्हेन द स्टॉल कीपर स्टार्ट मॉकिंग हिम, व्हेन द स्टॉल कीपर स्टार्टेड मॉकिंग हर, तो वो क्या करने, वो डांटने लगी, ठीक है, तो स्टॉल कीपर भी ज्यादा कुछ नहीं बोला,
ठीक है, इंद्रस पासेज इट इज मेंशन कि स्टॉल कीपर भी ज्यादा कुछ नहीं बोला, उसे लगा कि बूढ़ी है क्या बोलेंगे उससे ज्यादा, सो दे लेफ्ट। ठीक है, वो छोड़ दिए वहां पर। ठीक है, वो छोड़ दिए, वो उसे जाने दिए, जो वो कर रही थी उसे करने दिए। तो नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर जो है, नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर मेंशन है कि उसने बता रहा है कि रुक्मणी वाज एट द एंड ऑफ हर पेशेंस। ठीक है, उसके पास बहुत ज्यादा अब पेशेंस नहीं रही। ठीक है, तो उसे ये लग रहा है कि वो घर छोड़कर, ठीक है, वो घर छोड़कर दर बदर भटक रही है, इधर उधर भटक रही है, कुछ उसे मिल नहीं रहा है, कोई रुपया नहीं है उसके पास। ठीक है, यहाँ पर वही चीज वो बोल रही है, ओ व्हाई डिड आई लीव होम टू वांडर लाइक दिस फ्रॉम डोर टू डोर, ओल्ड रुक्मिणी वाइंड ऑलमोस्ट अंडर हर ब्रेथ, ओ व्हाई डिड यू हैव टू टर्न मी आउट ऑफ माय रूम इन माय ओल्ड एज, गॉड व्हाई डिडंट आई ट्राई द रुपया आई हैव अर्न इन द नॉर्थ। मतलब शी वॉज रिग्रेटिंग। ठीक है, जितनी जल्दी जल्दी में वो लाहौर से छोड़कर वो आई थी, लाहौर छोड़कर वो आई थी, तो उसे रिग्रेट हो रहा है अब कि वो सारी चीजें, वो जो पैसे उसने कमाए थे, जो घर उसका छूट गया, वो सारी चीजें उसे याद आ रही है कि मेरे घर से मुझे क्यों निकाल दिया गया। ठीक है, वो भगवान से ये चीज पूछ रही है कि क्यों नहीं मैंने जो पैसे कमाए थे वो अपने कपड़ों में बांध लिए। ठीक है, तो जब वो जान बचा के भाग रही थी, ऑब्वियसली इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन पीपल डोंट थिंक यूजुअली लाइक दोस थिंग। ठीक है, लेकिन अब जब उसे परेशानी हो रही है, तब उसे ये सारी चीजें याद आ रही है, एंड नाउ व्हेन शी इज रिमेम्बरिंग शी क्राइंग फ्रॉम दैट। ठीक है, वो सिचुएशन जब उसे याद आ रहा है, तो उस टेरर से जब वो निकली है, तो वो उसे बस यही लग रहा है कि वो बच गई है, अपनी जान बचा के किसी तरह भाग गई है, वो कैसे भी बच गई है करके, तो वो रोने लगी वो सारी चीजें याद करके। ठीक है, अपने सिचुएशन से वो परेशान होकर वो रोने लगी। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज, आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई भी इश्यू हो रहा है, कोई वर्ड आज से आपने पढ़ा है, रीड कर रहे हैं आप, जो समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक एक पैराग्राफ रीड करके समझाऊंगी, तो इट विल बी टेकिंग अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो मैं आपको ओवरव्यू बता दे रही हूँ, आप रीड कर लेंगे, एंड आई विल डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो दिस इज हाउ आई चैप्टर विल बी कंप्लीटेड मच फास्टर एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड कि शी वाज क्राइंग टू रिमेम्बर ऑल द थिंग। ठीक है, वो सारी चीजें जो वहां पर उसने देखी थी, ठीक है, लोग जो मर रहे थे, मैसेकर हुआ था, सॉरी which page we were on, yes, so she started crying for remembering all the terror she has left behind। ठीक है, जो लोग चला रहे थे, मर रहे थे, उनकी चिताएं चल रही थी, वो सारी चीजें उसे याद आ रही हैं अब। ठीक है, और उन चीजों से उसे ध्यान भटकाने के लिए उसका जो पैरट है बार बार चिल्ला रहा था। ठीक है, एक तरह से ही वॉज कॉलिंग आउट फॉर अटेंशन एज वेल एज फॉर नॉट लेटिंग हिज मिस्ट्रेस, जो पैरेट है वो अपने मिस्ट्रेस को डिस्ट्रेस ना देखे, परेशान ना देख पाने की वजह से वो उसे बार बार चिल्ला चिल्ला के बुला रहा था। तो वो सारी चीजें उसे याद आ गई, और मतलब उससे हटने के लिए जब उसकी आवाज सुनी, पैरट की आवाज सुनी, तब वो रियलिटी में आ गई। और रियलिटी में क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा धूप हो रही थी, और उसे आ, आ, वो नीचे बैठे बैठे, ठीक है, नीचे बैठे बैठे उसके पैर दिख रहे थे, एंड शी वॉज गेटिंग अ हेडेक फ्रॉम द सन। ठीक है, ये चीज हम लोग फर्स्ट पेज में भी देखे थे, दैट शी वॉज सिटिंग फ्रॉम मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग वो सन में बैठी हुई है, और उसकी वजह से उसे सर में दर्द भी हो रहा है, और नीचे बैठी हुई है क्राउच करके, तो उस वजह से उसके पैर में भी दर्द होने शुरू कर दिया। अब जो ग्राम सेलर है, जो स्टॉल कीपर है, वो सजेस्ट करता है, हियर इन दिस लाइन ही सजेस्टेड एटलीस्ट गो एंड सिट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री।
ठीक है, वो उसे कहता है कि जाके कम से कम पेड़ के नीचे आप बैठ जाइए ताकि आपको छाया मिले। तो बट शी वॉज ओनली ग्लेयरिंग, ठीक है, वो एकदम आँख दिखाने लगी उसे गुस्सा में, उसे कुछ नहीं बोली बट आँख दिखाने लगी। सो दिस इज ऑल शी वॉज थिंकिंग, ठीक है, उसके उस टाइम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आयरनी है, ये आयरनी भी उसने वो देखी, ठीक है। आयरनी दिख क्या बता रहा है यहाँ पर, वो वहां पर पहले उसे आंख दिखाने लगी, फिर उसके बाद अपना जो केज है, जो पैरट है, उसे पैरट का केज उठाकर वो एक जगह खोजने लगी जहां पर एक पेड़ था, ठीक है, कीकर का पेड़, ठीक है, कीकर का पेड़ यहाँ पर लिखा हुआ है, कीकर का पेड़ जो था उसके रूट के पास जाकर बैठ गई। एंड अगेन द पैरट वॉज स्टार्टिंग कॉलिंग हिम ऑल द सेंटेंसेस एंड स्टार्ट सेइंग ऑल द सेंटेंसेस जो वो पहले बोल रहा था, ठीक है। एंड अगेन जो रुक्मणी थी, ठीक है, रुक्मणी भी उसे बार बार समझा रही थी बिना ज्यादा जोर दिए। वो हमेशा ये कह रही थी कि कहीं नहीं बेटा, मैं यही हूँ, ये सारी चीजें उसे रिश्योर करने के लिए कह रही थी। सडनली जो एक मोटर कार आई जिसमें डेप्यूटी कलेक्टर थे, ठीक है, तो वो उसने देखा उस गाड़ी को आते हुए, और स्टॉल कीपर ने भी बोला कि यही डेप्यूटी कलेक्टर की गाड़ी है, ठीक है। और वो सबके साथ, ठीक है, वो सबके साथ उठाकर अपना जो पैरट है उसे पीछे नहीं छोड़ रही थी, उसके भी केज उठाकर वो उसके पीछे दौड़ी, ठीक है। इवन द ग्राम सेलर यू कॉल हर नेम, ठीक है, ग्राम सेलर भी कहा कि एकदम पागल औरत हो गई है ये, ठीक है, शी इज अ मैड वुमन, शी इज गॉन मैड। तो वो सारी चीजें लेकर, ठीक है, पैरट का केज लेकर वो उसके पीछे दौड़ गई, ठीक है, जो डेप्यूटी कलेक्टर की गाड़ी आई उसके पीछे वो दौड़ गई। नेक्स्ट व्हाट हैपन इज आफ्टर रनिंग बिहाइंड, ठीक है, ऑल साइड पूरे क्लाउड, अब गाड़ी आ रही थी ऑब्वियसली, पीछे धूल मिट्टी भी उड़ेगी, तो उन सभी धूल मिट्टी के बीच में वो बार बार हुजूर माई बाप करके वो बार बार चिल्ला चिल्लाकर उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी, ठीक है। और उसके साथ साथ और भी लोग दौड़ रहे थे, लेकिन जो गाड़ी है वो नहीं रुकी। जो इनफैक्ट द पैरट वॉज इवन शाउटिंग, द पैरट हियर यू कैन सी द पैरट वॉज इवन शाउटिंग, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द पैरट वॉज ऑल्सो शाउटिंग, शी वॉज ऑल्सो शाउटिंग, एंड नियर बाय ऑल द पीपल, ठीक है, जो भी जितने भी लोग थे वहां पर क्राउड में, वो सारे लोग क्या करने लगे, सारे लोग भी गाड़ी के पीछे भागने लगे, ठीक है। एंड शी वॉज लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, शी वॉज लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज उसके पास पैरट का केज भी था, एंड वो भाग रही थी भीड़ में, ठीक है, और वो ओल्ड भी थी। ये सारी चीजें होते होते क्या हुआ, वो भीड़ में अपना जो पुलिस है, ठीक है, भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ आई, तो पुलिस क्या की, पुलिस वहां सबको रोकने के लिए लाठी से मारने लगी, ठीक है। सो दे हेल्थ बैक, ठीक है, वहां पर रोक दिया गया वहां पर। तो उसने क्या किया, रुक्मणी ने क्या किया, वो इसी तरह आगे जाने की कोशिश करने की वजह से, ठीक है, क्योंकि पीछे हटा रहे थे वो लोग सबको, तो रुक्मणी तो बूढ़ी थी, तो वो गिर गई, ठीक है, वो गिर गई, और एकदम डस्ट वगैरह हो गया था, और वो अपने बस पैरट को, केज को, जो उसका पैरट था उसके केज को पकड़ के बस एक तरह से रोने लगी, ठीक है, और उसका जो पैरट था वो भी रुक्मणी रुक्मणी करके चिल्लाने लगा, ठीक है। बट जो वो रुक्मणी थी उसने पैरट नहीं छोड़ा, ठीक है, पैरट का जो केज था वो नहीं छोड़ा। और कुछ देर बाद जब जो पूरा क्राउड था, कुछ देर बाद जब पूरा क्राउड क्लियर अप हुआ, तो वही स्टॉल कीपर जिसने उसको मैड बोला था, वही स्टॉल कीपर क्या किया है, वही स्टॉल कीपर उसे आया उठाया, ठीक है, और उसे मरहम पट्टी करने के लिए बोला, ठीक है, वो उसको देखने आया पहले कि वो जिंदा है या नहीं, ठीक है। एंड एट द लास्ट व्हाट हैपन,
हेल्प हर, ठीक है, जो स्टॉल कीपर है उसने रुक्मणी का हेल्प किया ताकि वो वहां पर बैठ जाए. और अगेन वाइल द शॉपकीपर वेंट टू ब्रिंग समथिंग फॉर हर ब्रूजेस, ठीक है, जितने चोटों से लगी उस चोट के लिए जब वो कुछ लेने गया तब जो पैरट है वो अगेन वहां पर चिल्लाने लगा. और वो जो रुक्मणी है, ठीक है, वो रुक्मणी क्या की, उसे फिर से समझाने लगी, ठीक है, कि मैं कहीं नहीं हूँ, मैं मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा. ये सारी चीजें वो बोलने लगी क्योंकि शी वॉज लूजिंग हर होप. ठीक है, दिस इज ऑल द एंड फॉर हेयर. ठीक है, रीड ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें आप खुद से भी रीड करेंगे, ये सारी चीजें आप खुद से भी रीड करेंगे. और जो भी डाउट्स हो रहे हैं उन डाउट्स को हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्लास में मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाती हूँ आपको, बट सिर्फ यहाँ पर बहुत पोर्शन हमने कवर अप कर चुका था बहुत सारा. ठीक है, सिर्फ लास्ट 2 पेजेस वर लेफ्ट, सो आई मेड अ लिटिल फास्टर. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है खुद से भी पढ़ेंगे. एंड नाउ लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं, जो मेजर क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है, अदर देन एमसीक्यू. एमसीक्यू तो आपको पता है कि एमसीक्यू, फॉर द एमसीक्यू यू हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग, पूरा स्टोरी आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन विल बी वेयर डिड रुक्मणी कम फ्रॉम. ठीक है, रुक्मणी कहाँ से आई थी, तो यहाँ पर उसका आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है, दिस विल बी द आंसर. इसको पूरा मत उतार देना. ठीक है, यहाँ पर जिस सड़क पे वो रहती थी, जहाँ पर वो रहती थी, उसके साथ वो लाहौर में रहती थी, ये पूरा बताया गया. तो इसका यूटिलाइज करके आप आंसर फॉर्मुलेट करेंगे. अनदर क्वेश्चन, वेयर वॉज रुक्मणी एट दैट इन दैट इंसिडेंट. ठीक है, उस मोमेंट में या उस इंसिडेंट में रुक्मणी कहाँ थी, तो रुक्मणी थी कहाँ पर, अमृतसर कोर्ट में. ठीक है, अमृतसर कोर्ट के बाहर सड़क के किनारे वो, यहाँ से आपका जो आंसर है आपको मिल जाएगा. ये सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे. और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं हम? क्वेश्चंस विल बी व्हाई वाज द पैरट क्राइंग. ठीक है, पैरट क्या चिल्ला रहा था और क्यों चिल्ला रहा था. ठीक है, क्या चिल्ला था, रुक्मनिया नहीं रुक्मनिया, ये उसका पैरट बार बार चिल्ला रहा था. ठीक है, क्यों चिल्ला रहा था, सो दैट वो उसका अटेंशन ग्रैब कर सके और जो भी परेशानी है उसकी, ठीक है, जो भी परेशानी है उसके मिस्ट्रेस की, वो परेशानी में वो ज्यादा मतलब वो ज्यादा सोचे ना उन परेशानियों के बारे में, थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट उसका भी हो जाए और पैरट को भी थोड़ा अटेंशन मिल जाए, इसीलिए वो पैरट बार बार चिल्ला रहा था. ठीक है, लेट मी गेट अ फ्यू ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, लेट मी गेट अ फ्यू ऑफ दीज क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दे रही हूँ. अगेन आई एम टेलिंग यू, राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज. लास्ट टाइम के क्वेश्चन के लिए इतना दिन मुझे आपने परेशान किया था, तो देर आर लॉट स्टूडेंट हु आर प्रेजेंट इन द क्लास, सो राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन. I have written down it somewhere. Yes, कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमारे, फर्स्ट क्वेश्चन जो हैं ओके, फर्स्ट थिंग, मॉरल ऑफ द स्टोरी कोई बता सकता है मुझे? ठीक है, मॉरल मॉरल तो चलो मॉरल तो नहीं होगा. मॉरल तो आपका नहीं होगा इस स्टोरी में, आयरनी होगा. ठीक है, आयरनी क्या थी? आयरनी ये थी कि द पैरट एंड द मिस्ट्रेस,
ठीक है, जो पैरट है और जो रुक्मणी है जिसपे जिसका वो पैरट है, ठीक है, दोनों ही एक तरह के एक केज में थे। जो पैरट था वो एक आयरन केज में प्रेजेंट था, ठीक है, ही वॉज लॉक्ड इन एन आयरन केज, ठीक है, एंड जो हमारा हमारी रुक्मणी थी वो एक वर्चुअल केज में प्रेजेंट थी। वर्चुअल केज यानी कि ऐसा केज जहाँ पर वो परेशानियों से घिरी हुई थी, पर उसका कोई सलूशन उसे मिल नहीं पा रहा था। ओके, तो यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं विच आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। लेट्स सी इफ आई कैन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस जो हैं, दैट इज स्टार्टिंग वाला तो क्वेश्चन हमने हु वाज द स्टॉल कीपर, ठीक है, हु वाज द स्टॉल कीपर, क्या पार्ट था स्टॉल कीपर का स्टोरी में, ये बता सकते हो आप, ठीक है। या फिर उस स्टोरी में जो आपका हु वाज शी वेटिंग फॉर, ठीक है, किसके लिए वो वेट कर रही थी, ये बता सकते हो। या फिर आप बता सकते हो, 1 मिनट, या फिर आप बता सकते हो कि जो आपका पैरट था, ठीक, हाउ डिड शी फ्लेड फॉर हर लाइफ इन लाहौर, वो लाहौर से कैसे भागी, ये सारी चीजें आपके जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें आप बता सकते हो। ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन करते जाइए जो मैं बता रही हूँ, ठीक है, बाद में मत कहिएगा कि मैम क्वेश्चन नहीं लिखवाए, ठीक है। क्वेश्चन जो है इसके कहीं मेरे पास लिख के रखे हुए थे, मेरे पास अभी मिल नहीं रहे हैं, तो जितने क्वेश्चन मुझे याद आते जा रहे हैं मैं बताते जा रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपके और क्या हो सकते हैं, और क्वेश्चंस हो सकते हैं कि यस, व्हाट हैपेंड व्हेन हु हेल्प्ड रुक्मणी टू फ्ली फॉर हर लाइफ, हु सेव्ड हर लाइफ, ठीक है, ये हो सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई वाज शी रीअश्योरिंग, व्हाई वाज शी रीअश्योरिंग और अश्योरिंग द पैरट, ठीक है, वो पैरट को क्या बोलकर अश्योर कर रही थी, ठीक है, क्या बोलकर शांत करा रही थी, ठीक है, और क्यों शांत कराना चाह रही थी, क्यों रिप्लाई कर रही थी, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल विल थिंक कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि रुक्मणी क्या बोल रही है, तो उसे बोलने का क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन में आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी डिड द डेप्यूटी कलेक्टर हेल्प रुक्मणी और एनी अदर इमिग्रेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड आफ्टर एट द लास्ट वॉज शी लूजिंग होप, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या रुक्मणी डिड रुक्मणी लॉस्ट ऑल हर होप, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि एट द एंड वॉज इट रुक्मणी फॉल्ट फॉर ऑल द थिंग्स दैट शी वॉज सफरिंग, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हो खुद से आप बना लो, ठीक है। एंड फॉर द एमसीक्यूज, अगेन आई एम टेलिंग, एमसीक्यूज में तो आपके जो भी एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है, एमसीक्यूज में आपके छोटे छोटे पॉइंट्स जो रहते हैं पूरे स्टोरी से, छोटे छोटे पॉइंट, ठीक है, जैसे डॉल हाउस में मैंने बताया था, एमसीक्यूज में आ सकता है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉल हाउस से आ सकता है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिल, ठीक है, लिल या फिर एल्सा या फिर इजाबेल या फिर काजिया का जैसा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसकी आंट जिसने डांटा था, डांट के भगाया था, उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें भी रुक्मणी वाले चैप्टर में भी, द पैरट इन द केज में भी, इस टाइप के ही क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। पैरट किस तरह के केज में था, ठीक है, इट इज मेंशन है, ठीक है, आयरन केज में था, ये मेंशन किया गया था, तो ये चीज आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। द शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट डिड द स्टॉल कीपर सेल, ठीक है, स्टॉल कीपर क्या बेच रहा था, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डिड रुक्मणी गॉट हर्ट, ठीक है, रुक्मणी कैसे उसको चोट लगी, द पुलिसमैन यूज टू द पुलिसमैन वॉज रिस्ट्रिक्टिंग द क्राउड फ्रॉम एंटरिंग द अमृतसर फोर्ट,
अमृतसर कोर्ट के अंदर आने से क्राउड को वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, दैट्स व्हाई देवर लाइक देवर पुशिंग देम इन द आउटसाइड विद लाठीज एंड दैट्स हाउ शी गॉट हर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टोरी। ठीक है, आपको क्या, आप क्या समझे इस स्टोरी से और आपको क्या सीख मिली, आपने क्या मतलब सीखा, क्या सोचा आपने, क्या मतलब एग्जैक्टली आपने किस लिए आपको ये स्टोरी बताई गई है, या क्या ये रीजन आप लोग खुद समझ पाए हैं या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस स्टोरी, व्हाट डिड यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस स्टोरी, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और इसका आंसर जो रहता है वो कभी कभी बहुत वेग हो सकता है, कभी कभी पूरा रिलेटेबल हो सकता है। तो इसका आंसर मुझे आप लोग नेक्स्ट क्लास लिख के दिखाइएगा, व्हाट आई विल डू जिसका भी आंसर जैसा भी रहेगा वो मुझे लिख के दिखाएगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे चाहिए, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। ठीक है, जो लोग एकदम म्यूट करके कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं उन लोगों को मैं बता दे रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास चाहिए। व्हाट डिड यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी से आप क्या समझे। ठीक है, इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। ठीक है, दिस स्टोरी हैज गॉन ऑन सो लॉन्ग, एक्सप्लेन मैंने सारा कुछ कर दिया है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड आस्क राइट नाउ। जो नहीं समझ में आया है वो भी पूछ ले। मैं शॉर्ट में लिखना है। नहीं, लॉन्ग आंसर टाइप है, दिस क्वेश्चन इज लॉन्ग आंसर टाइप, यस व्हाट हाँ डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टोरी। ठीक है, इसको जितना लंबा लिख सकते हो। ठीक है, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन फ्रॉम द स्टार्टिंग कि ये स्टोरी कहाँ से ली गई है, किस सिचुएशन में लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है, ये सारी चीजें आप बताना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो। यहीं से स्टार्ट करके रुक्मणी का पूरा स्टोरी शॉर्ट में बता दीजिए, फिर उसके बाद व्हाट वाज द कंक्लूजन वो पूरा एक बार लिख दीजिए, तो ये बहुत लॉन्ग आंसर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इवन इफ दिस क्वेश्चन कम इन द शॉर्ट आंसर टाइप, अगर शॉर्ट में भी आता है चाहे लॉन्ग में आए, आप दोनों का आंसर बहुत आराम से कर पाएंगे। तो राइट दिस आंसर फॉर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, एवरीवन जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है, मैं रोल नंबर वाइज सबको बुलाऊंगी, जो जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट प्रेजेंट हैं आज की क्लास में। I have the attendance, so I would like at least 50% of the students that are present to give me the answer. What did you understood from this story? ठीक है? We'll discuss यस further मैम, in the next class. Okay.